सुप्रीम कोर्ट में एक काफी इम्पोर्टेंट वीक की शुरुआत हो चुकी है और वो है सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की लास्ट वर्किंग वीक का। इस हफ्ते में वे कई इम्पोर्टेंट जजमेंट्स और कई इम्पोर्टेंट फैसले लेंगे, जिसमें मदरसा के खिलाफ या फेवर में फैसला सुनाया जा सकता है या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की माइनॉरिटी स्टेटस डिसाइड होगी। और आरजीकर में एक आखिरी फैसला सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ क्या देंगे, सब इस हफ्ते देखने को मिलेगा। कई लोग इस वीक को लेकर काफी इमोशनल भी है कि सीजेआई चंद्रचूड़ का टेन्योर अब 2 साल के बाद खत्म होने को आया है, जिसमें हमने सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी को कहते हुए भी सुना है कि माय लॉर्ड्स, नोबडी वांट्स योर टेन्योर टू एंड, वी ऑल वांट यू टू हियर आवर मैटर्स। पर वहीं कई लोग चाह रहे हैं कि वे जल्दी इस पोस्ट से हटे। अभी बातें इसलिए भी सामने आ रही है क्योंकि सीजेआई के खिलाफ एलिगेशंस लग रहे हैं कि उन्होंने हर वे में सिर्फ यूनियन को फायदा उठाने दिया है। ये सुनकर तो आप चौंक जाएंगे, पर कुछ डेटा ऐसा सामने आया है जिसने लोगों को शॉक कर दिया है और कहीं ना कहीं वापस से कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ उंगलियां उठवा दी है। असल में कॉलेजियम सिस्टम एक लौता ऐसा सिस्टम है जिसमें यूनियन और जुडिशरी के बीच लड़ाइयां देखने को मिलती है जजेस अपॉइंटमेंट से जुड़े मसले में, और हमेशा से यूनियन ने ट्राई किया है कि उन्हें इस प्रोसेस में एक बड़ा रोल मिलना चाहिए। हालांकि कई लोगों ने पॉइंट आउट किया कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के टेन्योर में यूनियन गवर्नमेंट को अपने रोल की चिंता नहीं करनी पड़ी क्योंकि सीजेआई ने उन्हें फुल फ्रीडम ओवर द कॉलेजियम सिस्टम दे दिया था। अभी बातें इसलिए भी बोली जा रही है क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम को लेकर जो यूनियन गवर्नमेंट ने डिले किया है उसकी वजह से सीजेआई ने उन्हें अब तक कुछ नहीं बोला है, वो भी तब जब सीजेआई चंद्रचूड़ के लास्ट 4 रिकमेंडेशंस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया, इसके बावजूद कि वे एक हफ्ते में रिटायर करने वाले हैं। पर इसके अलावा जो हम नेक्स्ट न्यूज आपको बताएंगे वो आपको काफी हैरान कर देगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जजेस की अपॉइंटमेंट लेट से करने पर सुप्रीम कोर्ट में काफी केसेस आए थे और इनकी सुनवाई लास्ट ईयर जस्टिस संजय किशन कॉल कर रहे थे। उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को इन डिलेज की वजह से खूब फटकारा था और उन्हें जल्दी इस मामले को सुलझाने को भी कहा था। जस्टिसेस एसके कॉल और सुधांशु धुलिया की बेंच का गुस्सा AGR विकट रमनी पर निकला था, जो कि सेंटर की ओर से मौजूद होकर बस आश्वासन दे रहे थे कि ये काम जल्दी समाप्त हो जाएगा। हालांकि द बेंच आल्सो क्रिटिसाइज द पिक एंड चूज पॉलिसी बीइंग अडॉप्टेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट व्हेन इट केम टू अपॉइंटमेंट्स। पर केस में ट्विस्ट ये आया कि पिछले साल दिसंबर में अचानक से जस्टिस एसके कॉल की बेंच से ये केस रिमूव हो गया था और जिसके कुछ टाइम बाद वे रिटायर भी कर गए थे। जहां लगा था कि शायद ये केस वापस से किसी और बेंच के सामने लिस्ट होगा, वहीं ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है, जिसने की और तहलका मचा दिया है। ओपन कोर्ट में जस्टिस कॉल ने क्लैरिफाई भी किया था कि ही हैड डायरेक्टेड द मैटर टू बी लिस्टेड दैट डे एंड ही वॉज रेडी टू हियर इट, बट स्टिल द मैटर वॉज डिलीटेड फ्रॉम हिज लिस्ट। और जिसके साथ ही उन्होंने ऐड भी किया था कि सम थिंग्स आर बेस्ट लेफ्ट अनसर्ड। अब पहले इस मामले में जस्टिस कॉल ने खुलकर कुछ नहीं बोला था, पर अटकलें लगाई जा रही थी कि इस केस को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के कहने पर रिमूव करवाया गया था। एज द मास्टर ऑफ द रोस्टर ही हैज द फाइनल से ऑन व्हाट मैटर्स गेट लिस्टेड एंड व्हाट डजंट। इट इज क्वाइट अनलाइकली दैट अ हाई प्रोफाइल मैटर सच एज दिस वुड बी कैजुअली डिलीटेड बाय समवन इन द सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री विदाउट द नॉलेज ऑफ द सीजेआई। अब इस बात में कितनी सच्चाई है इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं, पर सीजेआई पर कई उंगलियां इसलिए भी उठी है क्योंकि उनकी इतनी बातों को प्रीच करने के साथ कि कैसे वुमेन को भी जुडिशरी में शामिल करना चाहिए, ऑनलाइन फ्री स्पीच एंड डिग्निटी बेस्ड ऑन सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड इंटीग्रिटी इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स को भी बढ़ावा देते हुए ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है, जहां एक भी वुमेन जजेस को एलिवेट नहीं किया गया है। और वहीं उल्टा एडवोकेट सौरभ कृपाल, जो कि ओपनली गे है, कि एलिवेशन को उल्टा सेंटर द्वारा रोका गया है। और उन 4 नाम की बात करते हैं जिसे सेंटर ने अभी डिले किया है। ये नेम्स कलीजियम ने पिछले साल की जनवरी में ही दोहराते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्शन लेने बोला था। द नेम्स ऑफ एडवोकेट सौरभ कृपाल फॉर एलिवेशन एज अ जज ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट, आर जॉन सत्यन एज जज ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट एंड अमितेश बैनर्जी एंड सक्या सेन एज जजेस ऑफ द कलकत्ता हाई कोर्ट। लेकिन शॉकिंगली ऑलमोस्ट 2 साल के बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया है। हाल ही के एक इंटरव्यू क्लिप में सौरभ कृपाल ने क्या कहा है वो भी सुन लेते हैं। द फैक्ट दैट योर पार्टनर इज अ स्विस नेशनल, दैट कैन बी ग्राउंड्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, हाउ डू यू व्यू दैट? हैव यू इज योर कैंडिडेट स्टिल पेंडिंग, हैव यू विथड्रॉन और यू आर स्टिल होपफुल? सो माय कैंडिडेटचर इज स्टिल वेरी मच वेयर इट वाज, इट सीम्स टू बी काइंड ऑफ स्टक वेयर इट वाज, बट आई सपोज दैट इज द वे थिंग्स मूव। एज रिगार्ड्स होप, I suppose this is so far beyond my pay grade that this is not a decision that I can ever take. Do you feel let down by the center, especially the reason cited by them? I don't feel let down. For one, as you said, the collegium has been very kind and explained as to why the 2 reasons offered by the collegium
were not necessarily correct. And I also understand that an issue of sexuality is a process of trying to teach. Maybe it is an endeavor that one has to teach people within the government that just because you have a different sexual orientation doesn't mean that you are some kind of an evil person or unfit or unworthy. It is a facet of my personality, the way multiple other people have multiple other facets of their personality. So it's a process of education. And I hope somewhere, somehow, I've managed to educate some people there within the government or outside that this is really not a good reason not to consider people. But I can understand other people who may not have the same patience maybe as me, who want to have some finality to their lives, who want to move on. I am proud, out and proud, to be gay. It was not an easy decision for me, as it is not for any queer person to. सौरभ कृपाल की एलिवेशन को रोकने के पीछे सेंटर ने कई रीजंस दिए थे, जिसमें से सीनियर एडवोकेट कृपाल के पार्टनर एक फॉरेन नेशनल है, ये भी सेंटर द्वारा उठाया गया था। लेकिन इसका उल्टा जवाब देते हुए कॉलेजियम ने कहा था कि एक बहुत ही कॉमन बात है, अनस्टेटेड, मेनी पर्सन्स इन हाई पोजीशंस इंक्लूडिंग प्रेजेंट एंड पास्ट होल्डर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस हैव हैड स्पाउसेस हु आर फॉरेन नेशनल्स, देयर कैन बी नो ऑब्जेक्शन टू द कैंडिडेचर ऑफ श्री सौरभ कृपाल ऑन द ग्राउंड दैट हिज पार्टनर इज अ फॉरेन नेशनल। और इंटरेस्टिंगली कॉलेजियम ने सेंटर को ये भी पॉइंट आउट किया था कि इस केस में स्विट्जरलैंड इज अ फ्रेंडली नेशन, जिसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने ये नाम फॉर जजशिप वापस से सेंटर को भेजा था, पर इस पर अभी तक सेंटर से कोई जवाब नहीं मिला है। कॉलेजियम ने अपने जवाब में सेंटर को समझाने की भी कोशिश की थी कि द फैक्ट दैट मिस्टर कृपाल इज ओपन अबाउट हिज सेक्सुअल ओरिएंटेशन गोज टू हिज क्रेडिट, द लॉ ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज हिज कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड राइट। जैसे कि 7 साल से सौरभ अपने एलिवेशन का वेट कर रहे हैं, वैसे ही बता दे कि सेंटर की डिले की वजह से कुछ अच्छे जजेस के हाथ से भी जजशिप निकल गई है, जिसमें से एक एग्जांपल देते हैं। द कॉलेजियम हैड टू रिकॉल इट्स सितंबर 2022 रिकमेंडेशन टू ट्रांसफर ओरिसा हाई कोर्ट चीफ जस्टिस डॉक्टर एस मुरलीधर टू मद्रास हाई कोर्ट, क्योंकि सेंटर ने इस मामले में इतना डिले किया कि जस्टिस मुरलीधर रिटायर्ड इन अगस्त 2023। और शॉकिंगली हमने सेंटर को चूज एंड सेलेक्ट करते हुए भी देखा है, जिसकी बात फॉर्मर जज एस के कॉल ने की थी। द गवर्नमेंट हैड क्लियर जस्टिस विक्टोरिया गौरी फॉर मद्रास हाईकोर्ट जजशिप ओवर मिस्टर सत्यान डिस्पाइट द कॉलेजियम स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दैट हिज नेम शुड बी नोटिफाइड फर्स्ट इन ऑर्डर टू रिटेन हिज सीनियोरिटी। जस्टिस गौरी वॉज रिसेंटली मेड अ परमानेंट जज ऑफ द हाईकोर्ट। अब इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है हमारे साथ जरूर शेयर करें। अंटिल देन, कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।